हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर महेंद्र बघेल आज एक गौशाला विजिट के लिए आए हैं। ये गौशाला है माजी शाह गौशाला, तलवाड़ा बुजुर्ग बड़वानी। यहाँ देखते हैं हम ये कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ये क्या खिलाते देखते हैं। ये पेस्टिस गोल्ड का संतुलित पशु आहार है और ये बछड़ों के लिए देते हैं। ये पशु आहार आप देख, और दूसरा जो है ये प्लेटिना है पशु आहार। ये प्लेटिना पशु आहार ये उत्पादक पशु को दे रहे हैं ये वाला। और इसके साथ ये जो मिलाते हैं कैल्शियम में, अच्छा ये मिनरल मिक्सचर देते हैं ओस्टोबेट फोर्ट और मक्के में मक्का जो है 1.5 नंबर पिसवा के देते हैं। इसको पका के देते हैं, कच्ची नहीं देते हैं क्योंकि इनका डाइजेशन थोड़ा वीक रहता है। और सुपर नेपियर ग्रास है, इसको चाप करके देते हैं। बहुत अच्छे से खा रहे हैं, खाने में बहुत अच्छा रहता है। ये वाटर सिस्टम है ऑटोमेटिक, ये वाटर सिस्टम है ऑटोमेटिक। ये बाटा बना रहे हैं देखो। ये है उत्पादक पशु के लिए फीड, संतृप्त आहार है उत्पादक पशु का। ये मीठा सोडा मिलाए हैं और ये मिनरल मिक्सचर और एक नमक, तीनों मिला के बनाए हैं। चलो अब मशीन देखते हैं, दूध ऑटोमेटिक दूध निकालने की मशीन। ये मिल्किंग मशीन है और उसके निप्पल हैं, इसमें जो निप्पल लगा के मिल्क सक किया जाता। सक होने के बाद में ये जो ये पाइप से इकट्ठा होता है और इस पाइप के माध्यम से ये बकेट या जो कैन है इसमें इकट्ठा हो जाता है। और इसका प्रेशर जो होता है वो इससे सकिंग का प्रेशर बनता है ये पाइप जो है उससे। सिंपल है मशीन। ये बछड़े के दूध पीने के जैसा बछड़ा दूध पीता वैसा ये सक करती है मशीन। ये सामने जो देख रहे हैं ये चरी हैं, इसको अपने फार्म तक काट के लाने के लिए इन्होंने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से एक ये झूला बनाया है और ये ट्रैक्टर में ऑटोमेटिक लिफ्ट हो जाता है। और ये बहुत अच्छा है, आसानी से पूरे खेत में घुमा सकते चारा इसमें ला के। फिर जो महत्वपूर्ण भाग है वो कुट्टी मशीन है, और ये जो कुट्टी मशीन है इसमें चारा को कट किया जाता है। चाप कटर है ये, और हिंदी में इसको कुट्टी मशीन बोलते हैं। एसेंशियल है क्योंकि अगर चारे को काट दिया जाता है तो उसकी पाचन क्रिया बढ़ जाती है। इस प्रकार की डेयरी खोलने के लिए आप पशुपालन विभाग से अनुदान भी ले सकते हैं, दूसरा अनुदान जो है नाबार्ड बैंक से भी मिलता है वो भी ले सकते हैं, और तीसरा जो उद्योग विभाग होता है वहाँ पे युवा उद्यमी की योजना के अंतर्गत भी आपको अनुदान मिल सकता है। तो ये जो अनुदान लेना है इसके लिए आप सबसे पहले पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सक है उनसे संपर्क करें, तत्पश्चात आप संबंधित बैंक या फिर जो नाबार्ड बैंक है उनकी शाखा है वहां पे संपर्क करें, और दूसरा जो उद्योग विभाग है अपने जिले में वहां पे संपर्क करें, उससे आपको लोन मिलता है। ये 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक लोन मिल सकता है इसमें। तो आप ऐसी डेयरी चालू करने के लिए आप लोन का सहारा लें ताकि शासकीय अनुदान आपको मिल सके। धन्यवाद।